गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, जो जब मुझे सुन रहा है उसके अकॉर्डिंग. यार लिटरली 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 इस बार जो ICI ने फिर से एक्सटेंशन किया है ऑप्ट आउट स्कीम का, लॉजिकली सोचते हैं इसको एक बार, बहुत लॉजिकली इस बार एटलीस्ट क्लियरेंस देना चाहिए था. इस बार एटलीस्ट बच्चों को क्लियर बता दो भैया एग्ज़ाम हो पाएंगी या नहीं, या फिर ICI अभी भी अथॉरिटीज़ का परमिशन की वेट कर रही है और इधर से डेटा लेती जा रही है कि कितने बच्चे ऑप्ट आउट करेंगे, ताकि अथॉरिटी को एग्जैक्ट डेटा वो दे पाए कि इतने बच्चे हमारे हैं जो एग्ज़ाम देंगे, जिसमें से भी आगे चल के प्रोबेबिलिटी ये होगी कि कुछ बच्चे हट जाएंगे. तो इज़ इट एन स्ट्रैटेजी और एन एजेंडा टू कलेक्ट द डेटा कि कितने बच्चे ऑप्ट आउट कर जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग ICI अथॉरिटीज़ को प्रॉपरली बता पाएगी और उनसे परमिशन लेगी, तो इज़ इट गोइंग ऑन लाइक दैट. सेकेंड चीज़, अगर ICI भी तुम ठीक है, आप एक एक बच्चे का सोच रहे थे, जो भी है आपका जो भी पर्सपेक्टिव रहा है, पर नाउ दैट पर्सपेक्टिव नीड टू बी लाइक दैट कि आपको बच्चों के मेंटल हेल्थ के बारे में भी सोचना ही पड़ेगा, बिकॉज यू आर कन्फ्यूजिंग दैम बहुत ज़्यादा. अब कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि ठीक है 27 जून तक समझ में आता था कि आप अभी भी सोच रहे हैं, बट अब 30 तक कर दिया. तो एक चीज़ बताओ, आप आके एकदम से जुलाई में 7 तक तो आपने बोला है कि फर्स्ट वीक में आप मतलब देखेंगे समझेंगे कि वेदर एग्ज़ाम हो पाएंगी या नहीं. आप आके 7 जुलाई तक अगर बोल देते हैं कि हाँ भैया एग्ज़ाम हो रही है, अब बच्चा क्या करे? अगर उसे कहीं और उसका ग्रीन जोन है, वो ट्रैवल करना चाहता है, ठीक है, वो ट्रैवलिंग में लगे, मतलब 29 जुलाई को इसके एग्ज़ाम है, उससे पहले ये सब चीज़ें करने में एटलीस्ट ऐसा नहीं कि एक दिन में सब चीज़ें हो जाती हैं, एक दो दिन वो उसमें लगाए. फिर एग्ज़ाम हो रहे हैं या नहीं उसके बेसिस पे, अभी कुछ बच्चों को ऐसा नहीं कि कहीं उनके रिश्तेदार बैठे हैं या घर पे है, PG हॉस्टल कुछ ना कुछ तो चाहिए उसको, होटल कुछ ना कुछ तो चाहिए. फिर उसके बाद 14 डेज होम क्वारंटीन चाहिए. आप क्या सोच रहे हैं इसे कि नहीं ठीक है 7 डेज का क्वारंटीन इज़ ओके? मतलब एटलीस्ट उस बच्चे को 29 जुलाई को अगर पेपर देना है, तो 14 डेज तो उसको क्वारंटाइन चाहिए फॉर सेफ्टी ऑफ everyone. सेफ्टी भी कुछ है लॉजिकली सोचो तो, समथिंग सेफ्टी इज समथिंग. अब वो 14 डेज क्या करे, उसे कम से कम 29 को पहुंचना है, तो उससे 14 दिन का उसका क्वारंटीन चाहिए, तो क्या वो एकदम एग्जैक्ट 14 डेज पहले तो नहीं जाएगा, 4-5 दिन पहले जाएगा, 6 दिन पहले जाएगा? अपने आप को कंफर्टेबल कराना है, लिंक वापस बिठानी है, क्योंकि इन सब में उसकी लिंक भी टूटी है. तो दिस इज़ समथिंग नॉट एक्सेप्टेबल. आपको क्लियर कट देना है, एग्ज़ाम तो है, नहीं है तो नहीं है. और महाराष्ट्र का आज ही जजमेंट है, दिस ईयर महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कह दिया है वेदर इट इज़ प्रोफेशनल वेदर इट इज़ नॉन प्रोफेशनल, फाइनल ईयर की कोई एग्ज़ाम नहीं होंगी. महाराष्ट्र क्लियर कट बोल चुका है. अब आप वेट कर रहे हैं तमिलनाडु या फिर दूसरी स्टेट्स का, तो एक चीज़ लॉजिकली समझ में आ रही है, एंड ICI इज़ अ बिग बॉडी, ठीक है, एक बड़ा इंस्टीट्यूट है, नेशनल लेवल का है. तो अगर वेस्ट बंगाल ने कह दिया है कि क्या है 31 तक लॉकडाउन है, महाराष्ट्र बैकआउट कर चुका है, बचते हैं कुछ स्टेट्स जहाँ पे, इसे तमिलनाडु की अगर मैं बात करूँ तो वो भी रेड जोन में आता है, और रेड जोन में आप कंडक्ट करवा नहीं पाएंगे, ठीक है, रेड जोन में आप कंडक्ट करवा नहीं पाएंगे. तो एक चीज़ बताइए, आप स्टेट वाइज भी जा रहे तो क्या सिर्फ MP में जाएंगे और थोड़ी बहुत जगहों पर जाएंगे? मतलब इतने सारे बच्चों को नवंबर अटेम्प्ट में ले जाके आपके इतने ही बच्चों के लिए आप काम करेंगे, और उसमें भी MP में अभी ऐसा बोल रहे हैं कि केसेस सही हो रहे हैं, बट कल भी मैंने वीडियो में ये कहा था दिस इज़ ऑल गोइंग अ पॉलिटिकल एजेंडा, कुछ सही नहीं हो रहा है. अगर सही हो रहा होता तो ये जो रोज़ के आज आपने देखा होगा 18,000 केसेस बढ़े हैं, कितने 18,000, तो अगर ऐसा होता तो ये केसेस कम हो रहे होते, बढ़ नहीं रहे होते. और जिसमें मैं क्लियर कट आपको बता रही हूँ दिस इज़ ऑल गोइंग अ पॉलिटिकल एजेंडा, जिसमें BJP ये दिखा रहा है कि हमने ज़्यादा कंट्रोल कर लिया है, कांग्रेस ये यहाँ पे जो महाराष्ट्र में चल रहा है वहाँ पे ये दिख रहा है कि सीधे सीधे केस बढ़ रहे, तो यहाँ सब एक दूसरे की टांग खिंचाई में भी लगे हुए हैं. What you expect from a student, उसे बताओ, क्योंकि anyhow देखो आज आप जुलाई बोलो या फिर नवंबर बोलो, बच्चे को तो अब नवंबर अटेम्प्ट के लिए भी जुलाई से पढ़ना ही था, वो पढ़ेगा, पर एटलीस्ट उसे मेंटली तो फ्री कर दो.
ऑनगोइंग सिचुएशन नहीं हो सकती है, एक क्लियर कट स्टैंड चाहिए, अदरवाइज बच्चा यूट्यूब पे अलग अलग फैकल्टीज़ के ओपिनियन को ही देखेगा ये सोच के कि उसे कुछ हिंट मिल जाए, क्योंकि उसका दिमाग यही जा रहा है, उसे कुछ हिंट चाहिए कि क्या होने वाला है, किस तरह से मैं आगे करूँ। क्योंकि ये बात सही है, जब तक एग्ज़ाम की सर्टेनिटी नहीं आएगी प्रोडक्टिविटी एफिशिएंसी पढ़ने में नहीं आने वाली है। पर मैं आपको बस इतना कहूँगी, आई जेन्युइनली अंडरस्टैंड दिस थिंग, जेन्युइनली अंडरस्टैंड कि हाँ ये दिक्कतें हैं। आप बस ये करो, रेड जोन वालों गलती से भी मत देना एग्ज़ाम अगर तुम्हारे लिए कितना भी इम्पॉर्टेंट हो, क्योंकि देखो सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है। मैं पैकेज बताऊँ आपको, मैंने आपको बताया था ना मेरे फैमिली में बहुत सारे डॉक्टर बैकग्राउंड के लोग हैं, पैकेज सुनो, इंदौर में अगर आप हो, MP में हो, 3 लाख का पैकेज है, पैकेज डिसाइड हो रहे हैं कोविड वालों को, जिनकी थोड़ी सी भी हालत ज़्यादा ख़राब है उन्हें सही करने के लिए पैकेज है 3 लाख। मुंबई में 5 to 8 लाख है शायद, 5 लाख। दिल्ली में 8 लाख का पैकेज है। फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग हो तो जाओ, बिल्कुल रिस्क लो, और ज़रूरी नहीं है तुम्हारे कारण इन केस रिस्क हुई हो तो तुम ही इन्फेक्ट हो। तुम्हारी इम्यूनिटी अच्छी है, तुमने किसी और को इन्फेक्ट किया फैमिली में और उनसे दो भी इन्फेक्ट हो गए, तो एक काम करो, 7 से 8 लाख रुपये अगर वो 60 अबाव हैं या फिर कोई उनको डिजीज़ है तो बिल्कुल रेडी रखो, क्योंकि एग्ज़ाम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ICAE की एग्ज़ाम है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, और हमारे पास है बिल्कुल, हम अगर इंदौर में हैं या फिर MP में हैं या फिर कहीं भी हैं, हमारे पास एटलीस्ट 10 लाख रुपए बिल्कुल पड़े हैं कि हम दो लोगों का इलाज करवा सकते हैं, और उसके बाद एक को हो जाने के बाद फिर से रिपीट होगा या नहीं इसकी अभी कोई स्टडीज़ नहीं है। यहाँ से काम लो, यहाँ से नहीं कि हमारे लिए बहुत ज़रूरी था, ये था वो था, एक भी फैमिली मेम्बर इन्फेक्ट हो गया और ऊंच नीच कुछ हो गया ना, जीवन भर माफ़ नहीं कर पाओगे अगर तुम जेन्युइनली उनसे प्यार करते हो तो, उनकी केयर करते हो तो। मैं जितना प्रैक्टिकली तुम्हें बता सकती हूँ मैं बिल्कुल बता रही हूँ कि मेरे हिसाब से रेड जोन क्लियर कट हट जाओ, नहीं देना पेपर चाहे जो हो जाए नहीं देना। ICAE कहीं ना कहीं ऑप्ट आउट चाहता है बहुत सारे लोगों का, बट ये फैक्ट है कि रेड जोन में वैसे भी एग्ज़ाम नहीं होनी, तो आप ऑप्ट आउट करो या नहीं करो कोई फ़र्क पड़ना नहीं है, रेड जोन में एग्ज़ाम होनी ही नहीं है। और आपने सेंटर चेंज नहीं किया है तो वैसे भी आप जानते हो आप November 20 में शिफ्ट हो चुके हो, तो आप चुपचाप बैठ के अपना पढ़ना स्टार्ट करो, अपना एक टाइम टेबल बनाओ, बोथ ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप है, सेकंड ग्रुप है, जैसा भी है। ऑरेंज जोन वाले ज़्यादा दिक्कत में हैं और ग्रीन जोन वालों को बहुत दिक्कत है। ग्रीन जोन वाले तो कुछ नहीं होते हुए भी लॉस बेयर कर रहे हैं, पर इतना भी समझो कि कुछ जगहों पे एग्ज़ाम होना पॉसिबल नहीं है, इंस्पाइट की आउट ऑफ द वे ICAE जाए उसको नहीं कह सकते। तो ग्रीन जोन वाले तो वैसे भी आपको डिस्ट्रैक्शन का कोई मोड बनता ही नहीं है, जो आप यूट्यूब देख रहे हो, फेसबुक स्क्रॉल कर रहे हो, इधर उधर कर रहे हो, मत करो ना, तुम्हारा ग्रीन जोन है। तुम तो ये सोचो 29 जुलाई को एग्ज़ाम हो रही है, नहीं होगी तो भी प्रिपेयर्ड रहोगे ना, क्या दिक्कत है? अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो ये सोचते हो कि एग्ज़ाम होगी या नहीं, जबकि तुम्हें कोई मतलब नहीं है, तुम ग्रीन जोन में हो। अब बचती ऑरेंज जोन वालों की बात, तो ऑरेंज जोन का मैंने पहले ही बताया था, अपने एरिया को देखते हुए चलो, आसपास कैसा सिचुएशन है, क्या है, क्योंकि अगर एग्ज़ाम हुई तो ऑरेंज जोन वाले कुछ बच्चे जा पाएंगे, कुछ लोगों की फैमिली कंसर्न होंगी, जो होंगी वो उनके ऊपर है, वो फिर डिसाइड करना है, फाइनेंशियल ग्राउंड्स देखना, सब कुछ उन्हें डिसाइड करना है। तो ऑरेंज जोन वाले तो पढ़ो, नहीं हुई तो तुम नवंबर के लिए प्रिपेयर रहोगे, हो गई तो तुम जा सकते हो, फैमिली बैकग्राउंड देखो, उसके बाद फैमिली का कंसर्न देखो, उनकी परमिशन देखो, तुम्हारी तैयारी देखो। ओल्ड कोर्स वाले हो तुम, ओल्ड कोर्स वाले तुम्हारे लिए, अगर तुम्हें अभी प्रिपरेशन नहीं हुई तो ऑप्ट आउट कर जाना, क्योंकि एक अटैम्प्ट वेस्ट कर लोगे, नहीं तो प्रिपरेशन हुई है तभी इतनी होशियारी दिखाना कि हमें तो एग्ज़ाम देनी ही है। तो ये जितना मैं एक लॉजिकल वे में आपको चीज़ें बता सकती थी मैंने बता दी हैं। एंड देखो ICAE है, उसे इस वक्त तो अब क्लियर स्टैंड देना चाहिए, बट कितने, आप नोटिफिकेशन का वेट मत करो, आपका काम यह है कि वेदर जो भी हो 29 जुलाई है हमारी एग्ज़ाम है, फेक योर माइंड, एक बार अपने दिमाग को ये चीज़ सिखा देना कि एग्ज़ाम है, पढ़ लो, नहीं एग्ज़ाम हुई तो इतना कॉन्फिडेंस रहेगा कि अरे मैंने एटलीस्ट एग्ज़ाम नवंबर में, उससे कितने पहले मैंने एक ग्रुप या फिर बोथ ग्रुप है तो कब से प्रिपेयर कर लिया, मैं सिर्फ रिवाइज करूँगा और AIR के लिए प्रिपेयर करूँगा, क्योंकि उस वक्त कंपटीशन बढ़ेगा, नवंबर में बहुत कंपटीशन होगा, ज़्यादा लोग एग्ज़ाम दे रहे होंगे, पास परसेंटेज पे फ़र्क पड़ सकता है, तो हमें इतना स्ट्रांग रहना है कि हम क्लियर करेंगे। और साथ में जॉब में भी बहुत सारा कंपटीशन होगा कि हमारा नॉलेज इतना होना चाहिए कि हमें जॉब भी अच्छी मिलनी चाहिए, 6-7 लाख पे स्टार्ट नहीं करेंगे, अच्छी जॉब, अच्छी मतलब अच्छी,
ऐसे सिचुएशन में भी कम से कम हम 10 to 15 lakh या 12 lakh का पैकेज उठाने की हिम्मत रखेंगे, क्योंकि हमारा नॉलेज बोलेगा। ठीक है, इतना ही बोल सकती हूँ। और कुछ भी क्वेरी हो कमेंट में डालो, बिल्कुल डालो। मैं कोशिश करूँगी या तो वीडियो के थ्रू, या फिर आपको पता है स्टडी मेड इजी मेरा चैनल है, चैनल भी है और इंस्टा पे मेरा पेज भी है। बिल्कुल आप बकायदा कमेंट करो, या फिर जो भी आपको पूछना है पूछो। जो लग रहा है पढ़ाई नहीं हो रही मैम, ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, सारी चीज़ें पूछो यार, बस पढ़ो। मैं सबको, बहुत सारे बच्चों ने मुझसे पर्सनली लिया है सेशन, लिया है, पूछा है मैम क्या करना है क्या नहीं, दे आर गेटिंग बेनिफिटेड। तुम्हें दिक्कत है तुम भी पूछ सकते हो, ठीक है। बस पढ़ो और पॉजिटिव रहो, सेफ रहो, क्यूमुलेटिव रिविज़न करो, समरी नोट्स बनाओ और बस रिवाइज करो। ठीक है, चलो बाय।